राम जन्मभूमि मंदिर शिलान्यास की खुशियां जाहिर करते लोगों को रोकने की बात पर खरगोन जिले के 2 प्रशासनिक अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से हटाया गया। बताया जा रहा है कि घटना की सूचना और स्थानीय सांसद की पहल पर उक्त कार्यवाही की गई है। लिहाजा मामले की भनक पर स्थानीय सांसद गजेंद्र पटेल ने पहल की और मुख्यमंत्री सहित गृह मंत्री से बातचीत करके SDM अभिषेक गहलोत और SDOP को तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश जारी करा दिया। आदेश की सूचना पाकर आम जन में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी है। इस दौरान सराफा व्यापारी से मिलने पहुंचे सांसद गजेंद्र पटेल का लोगों ने भव्य स्वागत किया और मीडिया से रूबरू सांसद ने बताया कि राम के नाम पर शुरू से चली आ रही परंपरा निर्वहन में किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आमजन को हक दिलाने के नाम पर उक्त कार्यवाही कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। खरगोन से जतिवाली की रिपोर्ट। मैं करी स्वाभाविक है कि मेरे भी लोकसभा का खरगोन शहर में लोगों ने अपनी खुशियां जाहिर करी है, पर एक छोटी सी घटना जिसे बताना भी हमें ठीक नहीं लगता कि पूरा देश खुशी से रमा हुआ है, दीपावली मना रहा है, वहाँ पर देशभक्तों को खुशी बनाने से रोकना, यह कहने का ही मध्य प्रदेश की सरकार पर एक कहीं के प्रश्न चिन्ह था। और जब मध्य प्रदेश की सरकार भी इस बात पर दृढ़ निश्चित थी कि राम मंदिर के उत्सव को हम अच्छे से मनाना चाहिए, तो खुशी का भी उत्सव भी अच्छे से होना चाहिए। और यह संज्ञान में आया कि एक पुलिस अधिकारी द्वारा कहीं के देशभक्त को रोका गया और यहाँ का खरगोन के जितना समाज है वो समाज एकता के साथ में जब सबके साथ खड़ा रहा कि ये गलत कार्रवाई हुई है, इसलिए हमने पुलिस प्रशासन से बात भी करी कि ये जो हुआ है गलत हुआ है और गलत होने के साथ में जिस अधिकारी ने किया है वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से व्यवहार किया, उसका परिणाम होना चाहिए। कल ही मैं खरगोन में आकर मैंने मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री माननीय नरोत्तम मिश्र जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष माननीय BD शर्मा जी, उन सबसे इस विषय पर मैंने बात करी और तुरंत निर्णय लेने का मैंने कहा और उन्होंने मेरे आग्रह को स्वीकारा और पूरे खरगोन की शहर की जनता के आग्रह को स्वीकार करने तुरंत कार्रवाई करी और 2 प्रशासनिक अधिकारियों को मध्य प्रदेश की सरकार ने तुरंत हटाया। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का, हमारे नरोत्तम मिश्र जी का, पूरे खरगोन लोकसभा की जनता की ओर से हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूँ। ये देशभक्तों की सरकार है, ये देश में चलने वाली सरकार है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।